गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फाइंड द फॉलोइंग पे। ये क्लास 7 का 10th लेक्चर है। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, आज जो हम निकालेंगे ये है फाइंड द फॉलोइंग। सो देखिए हम कैसे करते हैं इनको। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 5/7 इंटू 1 1/2 डिवाइडेड बाई 15/16। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है। तो सबसे पहले हम इनको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 16 ऊपर चला गया और 15 नीचे आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सो जो हमारे पास जो बचा वो बचा 1/7 इंटू 1/1 इंटू 8/1। सो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 7। सो 8/7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें आप देखिए कि यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे था, लेकिन इसमें डिवाइड जो है वो सबसे पहले डिवाइड ही है। तो हमको उससे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हमको सबसे पहले जैसा हम यहाँ करते हैं वैसे ही करना है कि इसको हम लिखेंगे, इसको हम काम करेंगे। सो 8+1, 8 × 1+1 इज 9/8। डिवाइड का हम रेसिप्रोकल करेंगे हो जाएगा इंटू, 4 × 2 इज 8+1 9। सो जो 9/4, सो ये होगा 4/9 रेसिप्रोकल करने के बाद इंटू 4 3 से 12 प्लस 1 13। सो 13/3। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सो जो हमारे पास बचा वो बचा 1/2 इंटू 1/1 इंटू 13/3। सो जो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 13/3 2 ज़ा 6। सो ये हो जाएगा 13/6 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इससे और बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे ब्रैकेट है, सबसे पहले हमको यहाँ सॉल्व करना है, फिर यहाँ एक डिवाइड है, ये डिवीजन में है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है और ये आपस में सब्ट्रैक्शन में है। सबसे पहले हमको इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में हम इनको कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। सो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो जो एलसीएम आया वो आया 6। एलसीएम आया है वो आया है 6। मैंने आपको एलसीएम से निकालना सॉल्व करना सिखा दिया था, तो यहाँ पे हम करेंगे इनटू
सो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, सो ये हो जाएगा इन टू 6 1 6, 6 प्लस 5, 6 के बाद 11, सो ये हो जाएगा 11 अपॉन 6, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे सो ये बन जाएगा 6 अपॉन 11, सो ये हो जाएगा 6 अपॉन 11 इन टू, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अब इसको, सो 3 2 6 प्लस 1 7, सो 11 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 2, अब इसका जो एलसीएम, अब इन दोनों को हम सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, अब आप यहाँ देखिए कि ये हो गया हमारा सोल्यूशन, अब यहाँ पे 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और 1 जो है वो सब्ट्रैक्शन में है, अब आपको एक जो रूल है वो याद रखना है, वो है बॉड मास का, बॉड मास मतलब होता है बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑर्डर, डी से होता है डिवाइड, एम से यानी मल्टीप्लाई, ए इज फॉर एडिशन एंड एस इज फॉर सब्स्ट्रैक्शन, हमको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता था। देखिए सबसे पहले हमने इसको ब्रैकेट सॉल्व किया है, उसके बाद हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हम करेंगे इससे सब्ट्रैक्ट, तो यही सीक्वेंस हमको ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर गलत आएगा, तो हम उसको आगे अब सॉल्व करने लगते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज में। तो आप यहाँ देखिए कि 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास जो बचा है यहाँ पे, हमारे पास जो बचा है वो बचा है 5 अपॉन 1 इन टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, सो इन टू 1 अपॉन 1 इन टू 1 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 2, सो जो ये है ये बना 5 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 2, सो अब इसका जो एलसीएम आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2, सो यहाँ पे हमको 2 मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा 10 माइनस 7, सो 10 माइनस 7 इज 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। सो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि हमको कैसे अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके हमको सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करते हैं, सो आज की क्लास में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सो थैंक यू।